कंपनी आप देख रहे हैं, इसका नाम शायद आपने पहली मर्तबा सुना हो, लेकिन अगर आप इसका बैकअप और सर्विसेज वगैरह देखेंगे तो यकीनन आप इस पर हमें गेम्स, लाइव चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हम इसके डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो ये स्लिम बेजल्स स्मार्ट बॉडी डिज़ाइन के साथ है, जिसके सेंटर में हमें ट्रोजन का लोगो मिल जाता है। कलर की बात करते हैं तो ये IPS पैनल यूज़ कर रहे हैं, जो कि कलर भी शार्प प्रोवाइड करता है और इसमें डैमेज के चांसेस भी कम होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AI टेक्निकल गैजेट्स। तो आज की जो वीडियो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट पे है जो हर घर की ज़रूरत है। आज के इस दौर में हर इंसान की कोशिश यही होती है कि उसे एक अच्छी और सस्ती LED मिल जाए। तो मज़े की बात यह है कि जो कंपनी आप देख रहे हैं, इसका नाम शायद आपने पहली मर्तबा सुना हो, लेकिन अगर आप इसका बैकअप और सर्विसेज वगैरह देखेंगे तो यकीनन आप इसको खरीदना चाहेंगे, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस करवाया है मल्टीनेट कंपनी ने। मल्टीनेट जो कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है, जो कि 32 इंच से लेकर 75 इंच तक की एंड्रॉयड LEDs बना रहा है। अगर हम इसकी ब्रांड वर्थ की बात करें तो पाकिस्तान में इसको 7 साल हो गए हैं और मेट्रो और कारफोर जैसी बड़ी मार्केट्स के साथ ये तकरीबन 4 साल से अटैच है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ब्रांड है जिसने बहुत ही दिया। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, डब्बे के अंदर से हमें एक अदद रिमोट, रिमोट की बैटरीज, टेबल स्टैंड के स्क्रू, वॉल माउंट ब्रैकेट और एक अदद वारंटी कार्ड मिल रहा है। तो वारंटी कार्ड के ऊपर देख सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वगैरह कम्प्लीट मल्टीनेट वाले देख रहे हैं। अगर हम इसके इनपुट्स की बात करें तो 2.0 वर्जन की 2 USB पोर्ट्स, ऑडियो वीडियो केबल्स, हेडफोन पोर्ट्स, ऑक्स की इनपुट और एक लैन की इनपुट्स मिल जाती है। टीवी के बैक साइड पे हमें पावर ऑफ, वॉल्यूम अप एंड डाउन, चैनल फॉरवर्ड रिवर्स के बटन इसकी बैक साइड बॉडी में ही मिल जाते हैं। अगर हम इसके डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो ये स्लिम बेजल्स स्मार्ट बॉडी डिज़ाइन के साथ है, जिसके सेंटर में हमें ट्रोजन का लोगो मिल जाता है। कलर की बात करते हैं तो ये IPS पैनल यूज़ कर रहे हैं, जो कि कलर भी शार्प प्रोवाइड करता है और इसमें डैमेज के चांसेस भी कम होते हैं। टीवी को अगर हम शट डाउन करके दोबारा ऑन करते हैं तो ये 10 से 15 सेकंड में ऑन हो जाता है, जो कि सभी TVs का ऑलमोस्ट सेम है। ऑन होने के बाद हमें इसमें देखने को मिलता है wisdom.share, जो कि एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें यूट्यूब और TV से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, होम पेज पे हमें इसकी सेटिंग, ब्राउज़र, मीडिया और ऐप स्टोर जैसी ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। अगर हम इसकी सेटिंग को ओपन करें तो इसकी सेटिंग में हमें वाईफाई, टाइम, टीवी की सेटिंग और टीवी की इन्फो से रिलेटेड सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। नेटवर्क में हमें वायरलेस कनेक्टिविटी की ऑप्शन मिल जाती है। ब्राउज़र ओपन करें तो इसके अंदर हमें गेम्स, लाइव चैनल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी YouTube का एक्सपीरियंस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका रिस्पांस टाइम काफ़ी बेहतर है। साथ ही हम इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम इसके साउंड की बात करें तो साउंड में हमें 10 वॉट्स के 2 स्पीकर्स मिल रहे हैं नीचे बॉटम साइड पे। फ्रेंड्स, इसकी रेजोल्यूशन को हम सेट कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमें काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।